बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। आज की हमारी इस वीडियो का ताल्लुक फर्स्ट ईयर कॉमर्स के सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स, जिसको शॉर्ट के अंदर POC कहा जाता है, उसके पेपर पैटर्न को हम आज डिस्कस करेंगे। पेपर पैटर्न से मुराद है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हमारा जो सब्जेक्ट है POC, उसको पेपर में कितने कितने नंबरों के हिसाब से डिवाइड किया गया है, वो आज हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, याद रहे कि हमारी ये वीडियो जो है वो कराची इंटरमीडिएट बोर्ड के मुताबिक है, और कराची इंटरमीडिएट बोर्ड जो है उसके मुताबिक POC का आज हम पेपर पैटर्न स्टडी करने के लिए जा रहे हैं। जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि टोटल आपके पास नंबर ऑफ़ सेक्शंस जो हैं जो पेपर में आपको मिलेंगे, वो 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेंटर में आपको नज़र आ रहा होगा कि सेक्शन ए का ताल्लुक जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से है, जिसको शॉर्ट में MCQs कहा जाता है। MCQs से मुराद ये है कि आपको हर सवाल के अंदर 4 ऑप्शंस मिलेंगे और उन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सही होगा। सेक्शन बी का ताल्लुक जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से है, यानी कि मुख्तसर सवाल जवाब, जबकि सेक्शन सी का ताल्लुक है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, यानी कि डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर्स, या उर्दू में आप इसको कह सकते हैं तफसीली सवाल जवाब। सेक्शन ए जो आपके पास मौजूद है उसमें आपको पेपर में टोटल 16 MCQs मिलेंगी, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि सेक्शन ए में लिखा हुआ है अटेम्प्ट 16 MCQs आउट ऑफ 16। टोटल 16 MCQs पेपर में मौजूद होंगी और 16 की 16 आपको अटेम्प्ट करनी है। एक MCQ है टोटल एक नंबर की, तो 16 MCQs बन गई 16 नंबरों की, और इसके लिए आपको टोटल टाइम जो पेपर में मिलेगा वो होगा 20 मिनट्स, यानी कि 20 मिनट। जैसे ही 20 मिनट ख़त्म होंगे, आपको सेक्शन बी और सेक्शन सी दोनों सेक्शंस का एक ही पेपर जो है एक साथ वो आपको मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर, जिसका टोटल टाइम रिमेनिंग टाइम रह जाएगा यानी कि 2 घंटे और 40 मिनट। इस 2 घंटे 40 मिनट के अंदर आपको सेक्शन बी और सेक्शन सी दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। सेक्शन बी आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पर मुश्तमिल है। इसमें मेंशन भी किया हुआ है हमने कि अटेम्प्ट 7 क्वेश्चंस आउट ऑफ 10। पेपर में आपको टोटल 10 सवाल मिलेंगे सेक्शन बी के अंदर, और आपको करने होंगे 7 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन जो है वो 5 नंबरों का है, जब 7 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं तो 7 × 5 = 35, यानी कि टोटल सेक्शन बी के मैक्सिमम मार्क्स हो जाएंगे 35। इसी तरीके से सेक्शन सी जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर से मुश्तमिल है, तफसीली सवाल जवाब है। यहाँ पर आपको अटेम्प्ट 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ 3, टोटल सवाल दिए हुए होंगे पेपर में 3, करने होंगे 2, एक सवाल के नंबर हैं 12, तो 2 सवाल के नंबर बन गए 24, 12 × 24। इस तरह से अगर आप तमाम मार्क्स को टोटल कराएं तो सेक्शन ए के बनते हैं 16 नंबर, सेक्शन बी के बनते हैं 35 और सेक्शन सी के बनते हैं 24 नंबर। इन सबको आप प्लस कराते हैं तो बनता है 75 मार्क्स, और टोटल टाइम जो है आपके पास पेपर में होगा 3 घंटे, जिसमें सेक्शन ए से रिलेटेड 20 मिनट्स हैं और सेक्शन बी और सी से रिलेटेड मजमूई तौर पर 2 घंटे 40 मिनट हैं। इस तरह से 3 घंटे आपका पेपर हो गया और 75 नंबर आपके पास मैक्सिमम हुआ है। स्टूडेंट्स, हमने आपकी सहूलत के लिए एक बहुत अच्छा काम किया हुआ है कि हमारी इस वीडियो के अंदर ना सिर्फ आपको पेपर पैटर्न पता चलेगा फर्स्ट ईयर के POC से रिलेटेड, बल्कि आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी पता चल जाएगा कि किस तरह से आप पेपर में जो आपके पास टोटल 3 घंटे मौजूद होंगे, 3 घंटे जिसको आप कह सकते हैं 180 मिनट्स, क्योंकि 1 घंटे के अंदर 60 मिनट्स, तो 3 घंटे के अंदर बनते हैं 180 मिनट्स। 180 मिनट को या 3 घंटे को आप पेपर में किस तरह से मैनेज करें अपने इस टाइम को, कि आप अपने इस पेपर को बहुत बेहतर तौर पर बहुसने खूबी सॉल्व कर सकें। क्योंकि अक्सर व बेशतर स्टूडेंट्स जो हैं वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को देने के बाद जब एग्ज़ामिनेशन हॉल से बाहर निकलते हैं तो आमतौर पर यह गिला शिकवा करते हुए नज़र आते हैं कि जनाब हमारे पास टाइम कम था। एक्चुअल में उनके पास टाइम कम नहीं होता, बल्कि वो टाइम को सही तरह से मैनेज नहीं कर पाते। लिहाजा हमने आपकी सहूलत के लिए टाइम मैनेजमेंट के हवाले से भी इसी वीडियो में हम जिक्र करने जा रहे हैं। देखिए, फर्स्ट ईयर का POC का पेपर, जैसा कि आपको पता है, 3 घंटे का है। इसमें सेक्शन ए में तो आपके पास कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि 16 आपके पास MCQs हैं और टोटल टाइम आपको मिलेगा 20 मिनट। जैसे ही 20 मिनट आपके पास ख़त्म होंगे, सेक्शन ए का टाइम ख़त्म हो जाएगा, यानी कि MCQs का टाइम ख़त्म हो जाएगा। फिर आपको सेक्शन बी और सेक्शन सी का एक ही क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, जिसके पास, यानी कि जिसके लिए आपके पास सॉल्व करने के लिए टोटल होंगे 2 घंटे और 40 मिनट।
अब आपको सेक्शन बी और सेक्शन सी में ही अपनी महारत का मुजाहरा करना है कि तमाम क्वेश्चंस अच्छी तरह से सॉल्व भी कर लिए जाएं मुकम्मल तौर पर, और आखिर में थोड़ा सा टाइम चेकिंग के लिए भी निकाल लिया जाए या उसको मैनेज कर लिया जाए। देखें किस तरह से ये काम मुमकिन है। सेक्शन बी में आपको अभी बताया जा चुका है टोटल 7 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। अगर एवरेज औसतन एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को आप सॉल्व करते हैं 13 मिनट में यानी कि 13 मिनट्स में, तो टोटल 7 आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आपको जो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 13 को मल्टीप्लाई करें 7 से, टोटल टाइम बनता है 91 मिनट्स लेंगे। इसीलिए मैंने लफ्ज़ लिखा हुआ है अप्रॉक्सीमेट। अप्रॉक्सीमेट का मतलब होता है तकरीबन। एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 13 मिनट है, 7 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बन जाएगा 91 मिनट्स। 91 मिनट्स का मतलब होता है तकरीबन जो बनता है 1 आवर 30 मिनट्स यानी कि 1.5 घंटा। राउंड फिगर में अगर आप बात करें 91 की जगह फर्ज करें या 90 मिनट्स होता तो एग्जैक्ट 1.5 घंटा बन जाता। यानी कि स्टूडेंट को सेक्शन बी को सॉल्व कर लेना है टोटल 1.5 घंटे के अंदर। अगर वो 1.5 घंटा टाइम रखता है, पहले से टाइम मैनेज करके जाता है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, और ये सोचता है कि मुझे सेक्शन बी को हर हाल में यानी कि सेक्शन बी के 7 क्वेश्चंस को हर हाल में 1.5 घंटे में सॉल्व कर लेना है, तो टोटल टाइम उसका कंज्यूम हो चुका होगा 1 घंटा और 50 मिनट, क्योंकि 20 मिनट की एमसीक्यूज़ हैं और 1 घंटा 30 मिनट का सेक्शन बी को उसने टाइम दिया। यह पता है टोटल टाइम कितना बन गया, 1 घंटा और 50 मिनट। रिमेनिंग टाइम उसके पास बच जाएगा 1 घंटा और 10 मिनट। इस 1 घंटे 10 मिनट को किस तरह से मैनेज करना है, सेक्शन सी के अंदर देखें 2 अदद लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स उसको निपटाने हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अगर वो आधा घंटा रखता है तो 2 लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए उसको टाइम मिल जाएगा 1 घंटा, और 1 घंटा बहुत ही भरपूर टाइम है 2 लॉन्ग क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अगर सेक्शन सी को वो निपटा देता है 1 घंटे में, तब भी उसके पास आखिर में 10 मिनट बच जाएंगे। और याद रखिएगा, जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं उस वक्त जो 10 मिनट हैं ये बज़ाहिर तो 10 मिनट ही होते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये अच्छा खासा टाइम होता है, क्योंकि स्टूडेंट का माइंड उसमें बहुत शार्प हो चुका होता है, बहुत तेज़ हो चुका होता है। लिहाजा आखिरी 10 मिनट आपने रख दिए चेकिंग ऑफ होल आंसर स्क्रिप्ट। तमाम का तमाम जो आपने सॉल्व किए हैं सवालात सेक्शन बी के सेक्शन सी के, उन तमाम को सॉल्व करने के लिए यानी कि सॉल्व आप कर चुके होंगे, चेकिंग करने के लिए आपने 10 मिनट रख दिया। उसमें तमाम हेडिंग्स आप चेक कर लेंगे, कोई आपने अगर कोई फैक्शन फिगर्स उसके अंदर इन्वॉल्व किए हैं इंक्लूड किए हैं उसको चेक कर लेंगे, कोई आपने ईयर लिखा है उसको चेक कर लेंगे, इस तरह की जो अहम अहम चीज़ें हैं वो चेक कर लेंगे, और इस तरह से आपके पास टोटल 3 घंटे को आप बेहतरीन तरीके से मैनेज करने के काबिल भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। और साथ साथ आप अपने पूरे क्वेश्चन पेपर में किसी एक छोटे से पार्ट को भी छोड़कर नहीं आएंगे, यानी कि सेक्शन बी मुकम्मल तौर पर सॉल्व करेंगे और सेक्शन सी को भी मुकम्मल तौर पर सॉल्व करने में कामयाब हो जाएंगे। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने आपको फर्स्ट ईयर के POC से रिलेटेड न सिर्फ पेपर पैटर्न यानी कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आगाह किया, बल्कि टाइम मैनेजमेंट के हवाले से भी आपकी रहनुमाई करने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको हमारा ये लेक्चर, ये वीडियो जो आपको हम स्क्रिप्ट हमने बना के दी है वो आपको पसंद आएगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में इसको लाजमी तौर पर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट ज़रूर करें, ताकि आपके जब कमेंट्स हमको मिलते हैं तो हमारे अंदर एक नई तहरीक पैदा होती है बेहतर से बेहतर काम करने के हवाले से। अगले वीडियो लेक्चर तक के लिए अपने टीचर सर अली अहमद को इजाज़त दीजिए। अस्सलामुअलैकुम।